तो दोस्तों जोमैटो ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार है, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1661 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल की बात करें तो मात्र 1112 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 1948 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 80% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 18% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर पॉजिटिव साइड में जाता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देखते हैं क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2091 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1642 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 2485 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी जो है वो इस क्वार्टर में थोड़े से ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली कंपनी कई क्वार्टर से लॉस में ही डील कर रही है और कंपनी का कहना भी है कि 2025 तक वो प्रॉफिट में आएंगे। तो कंपनी का लॉस पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ का था, पिछले साल की बात करें तो 67 करोड़ का लॉस था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ के 346 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात करें 0.31 माइनस का था, 0.08 माइनस का था, अभी देखें तो 0.42 माइनस का हो चुका है। तो ओवरऑल अगर नंबर को कंक्लूड करूं तो देखिए पिछले कई क्वार्टर के नंबर को मैंने ऑब्जर्व किया है, हर क्वार्टर में यही होता है, कंपनी रिवेन्यू ज़्यादा देती है, कंपनी का लॉस है वो बढ़ता जाता है और शेयर के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू पे शेयर का प्राइस जो है वो डिसाइड करता है, और कंपनी का रिवेन्यू इस क्वार्टर में साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर एक बड़ा हाइक आपको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है इस नंबर के बाद एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर, क्योंकि कल के दिन अगर ये नंबर अगर पॉजिटिव साइड में लेता है मार्केट तो कम से कम 10 से 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।